हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एंड आज मेरे अशवंत का स्कूल का फर्स्ट डे गए है, जिसमें मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब लेट क्या हो गया, 8 बज रहा था और 9:30 बजे इसको स्कूल छोड़ना था। तो अब मुझे बहुत जल्दीबाजी होती है, एक तो फर्स्ट गए था तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा पहले इसके लिए आलू वालू छिल के आलू बनने के लिए रख देती हूँ। जब तक आलू की सब्जी बनेगी तब तक मेरे परांठे भी बन जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी आलू वालू छिल के उसको कट करके अच्छे से बनाने रख दी थी। ये देख सकते हैं आप, मतलब बहुत बच्चे को इसमें ना बहुत जल्दी जल्दी हमें उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। एक तो दो दो बच्चे मेरे संभालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। हम मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना देती हूँ मैं। तो रात में हम 12-1 बजे सोते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं सोते तब तक फिर हमें भी नींद नहीं आती है। मैंने सिवानस के लिए सिर्फ इजी से मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब नमक, हल्की सी मिर्च और हल्दी डाल के जो बनाते हैं आलू, उस टाइप के बनाए थे। मैं कहा ये जल्दी बन जाते हैं और बच्चे भी इसको बहुत मन से खाते हैं, तो मैंने इसके लिए आलू की सब्ज़ी बनाई थी। साथ में फिर मैंने सोचा जब तक आलू की सब्ज़ी बनती है तब तक मैं इसके लिए परांठा बना देती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करके परांठा परांठा बना दिया था। सबसे पहले उठी मैं, इसके लिए खाने की ही मैंने तैयारी करी, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस स्टेज पर मेरा परांठा भी बनकर जल्दी से रेडी हो चुका था और सब्जी भी, मतलब दोनों ठीक टाइम पर बन चुके थे। और मेरे शिवांश को ना वैस तिकोना परांठा बहुत पसंद है, तो मैंने इसके लिए एक सिंपल सा तिकोना परांठा बनाया था, क्योंकि सिंपल परांठे बहुत कम खाता है ये। तो मैंने इसके लिए तिकोना परांठा बनाया था। इसके पापा को भी तिकोना परांठा बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ मेरा परांठा भी बनकर रेडी हो रहा है। बड़ी खुशी मिलती है जब बच्चा स्कूल जाता है ना पहली बार और उसके लिए काम करो, खाना बनाओ, अच्छा सा लगता है। मतलब थकान वकान नहीं लगती है, एक अच्छी सी वाइब्स आती है। तो वही मुझे आ रही थी कि हाँ मेरा शिव स्कूल जाएगा, मैं उसके लिए परांठे बना रही हूँ, वाओ, मतलब अच्छा सा लगता है। यहाँ मेरा परांठा बन चुका है अच्छे से, और सब्जी मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ। मैंने थोड़ी सी सब्जी शिवांश के लिए निकाल ली थी, मैंने कहा मॉर्निंग हो रही है पहले उसको खाना खिला देती हूँ, तो उसके लिए खाना मैंने दे दिया था, किक क्यों खिला रहे थे। इस स्केच पर मैंने इसके लिए टिफिन विफिन मतलब पैक करा, परांठे तो मैंने रख दिए और सब्जी मैं इसमें रख रही थी। आलू बहुत मन से खाता है हमारा शिवू, तो इसके लिए मैंने थोड़े से ज़्यादा आलू रखे थे। ये टिफिन भी इसका पैक हो चुका है और अब इसकी आ गई है स्कूल जाने की बारी। सो यहाँ पे कि तूने बैग पकड़ा है इसका, कितना क्यूट सा लग रहा है। और ये रही पानी की बोतल, ये चेक कर रहे हैं पानी गिर तो नहीं रहे करके, और बोतल हम बैग में रख देंगे, बाकी टिफिन भी इन्होंने रख दिया है। तो हमारे किक्कू चली गए हैं शिवांश को छोड़ने, यहाँ पे इतना सारा काम फैला है। तो मैं इस स्केच पर थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मुझे शिवन्य को भी दिखा के लाना था थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काम समेट लेती हूँ। सो गाइस, मैंने शिवांश को स्कूल भेज दिया था और मैंने जब तक घर का सारा काम निपटा लिया था, और अब 10:08 हो गया है, 10:30 बजे ये शिवांश को लेंगे स्कूल से, फ़ोन आ जाएगा। तो देखते हैं शिवांश का पहला दिन स्कूल में कैसा रहा और क्या क्या एक्टिविटीज़ उसने करी, क्या क्या नहीं करी। सो गाइस, मिलते हैं आगे। शिवांश आ चुका है, खाना भी नहीं खाया इतने गुस्से के मारे, और अभी हम इसको खिला रहे हैं। क्या बताया स्कूल में एक्टिविटीज के बारे में इसकी? एक्टिविटी शैतान है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा शैतान है, और बहुत ज्यादा गुस्सा है। खेला नहीं वहाँ थोड़ा बहुत खेला, बस क्या बोलते हैं, पर कोई भी चीज दो, चीज दी बोलो खाने के लिए, फेंक दिया ही, हाथ में काट देता तब उसने मेरे ऊपर भी नाल लटका दी, फेंक दी बोलो। सो गाइस, आज का स्कूल का दिन इसका ऐसा रहा, बाकी कल देखते हैं फिर, आपको बताती रहूँगी। सो गाइस, मिलते हैं। ये पानी दे रहा है अपने आप उठा के, अकल तो गाइस को बस थोड़ा बोल नहीं पाता, मम्मा पापा बोलता है धीरे धीरे, सीखेगा भी 3 साल का है, बहुत से बच्चे होते हैं देर से बोलते हैं। तो बस आज का व्लॉग इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।